ना क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर दिया गया है, कुछ नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें से बोला गया है ऑप्शन से आपको सही बताना है कि या तो संख्या 3 से डिविजिबल है, या फिर 11 से, या फिर दोनों से, या फिर किसी में से एक से, या फिर 3 और 9, 11 दोनों से भी नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको क्या कहता है कि सारे के जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या हमारे पे कितनी है, 1, 5, 6, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 1। या तो आप इसको 3 से और 11 से एक बार डिवाइड करके चेक कर ले, या फिर जो 3 से और 11 से डिविजिबिलिटी का नियम है उसको हम देख लें। तो सबसे पहले 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 6, 6, 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 1 25, 25 2 कितना होता है, 25 और 2 27, 27 3 30, 30 4 34, 34 4 3 37, 37 5 42, 42 और 1 43, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, एक तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है फिलहाल, एक ही ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 से विभाजन नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, बी और सी। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम हमारा ये कहता है कि विभाज्यता का नियम 11 का हमें ये कहता है कि इवन और ऑड प्लेस का जो नंबर है, या तो इसका जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं इसको भी, हम इसको ऑड प्लेस वाले को एक साथ करेंगे, इवन प्लेस वाले को एक साथ करेंगे। 6 1 7 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 3 कितना होता है, 16 16 1 17, जो हमारे ऑड प्लेस पे आए 17 आया। अब हमको इवन प्लेस पर फाइंड करना है, अब हमको क्या करना है, इवन प्लेस पर फाइंड करना है, ये और ये 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 2 कितना होता है, 14, 14 4 18, 18 1 19, इवन प्लेस पे हमारा कितना है, 19 है। तो देखो भैया इसका जो डिफरेंस है वो 0 तो नहीं आ रहा है, और नहीं 11 का मल्टीपल आ रहा है, ना फिर 11 है, तो ये जो संख्या है 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, और ये बी बी भी नहीं होगा, न तो 3 से डिविजिबल होगा, न ही 11 से डिविजिबल होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।